Hey everyone, welcome to Bainjeeties. Happy Baisakhi, Puthandu, Bihu, जिस भी रूप में आप आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे बच्चों. आई होप आप लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाने पर हर दिन वर्क कर रहे होंगे. आपके नीट 2023 के लिए अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं और आई होप जैसे जैसे नीट की तारीख पास आती जा रही है, आप लोगों की सीरियसनेस लेवल भी बढ़ रही होगी. इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना सिर्फ डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हुए हमको प्रिपरेशन करनी है, बल्कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे हम दूर रहें तो ही हमारी नीट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होगी. देखो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों को 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जिनमें से अगर एक भी गलती आप लोग अगले 20-25 दिन तक फॉलो करते हैं तो शायद वो गवर्नमेंट MBBS सीट पाने का सपना आपसे दूर हो जाए. सबसे पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखिए. काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पर जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा और उन्होंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके मॉक टेस्ट में 600 प्लस स्कोर आए और वो 450 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा है. बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है. जिन बच्चों का सिलेबस अभी 50-60% भी कंप्लीट नहीं हो रखा है, वो हर दिन ही एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रखे हैं कि काफी बच्चों का तो सिलेबस ही हो गया है, मैं क्या करूंगा, मेरा इस साल नीट क्रैक होगा या फिर मैं ड्रॉपर स्टूडेंट बन जाऊंगा. अगर आप लोगों का सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, आप एंजाइटी वाले फेज में चल रहे हैं. और काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका रिवीजन भी हो गया है, सिलेबस कंप्लीशन हो गया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उनका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ पा रहा है. इस टाइम पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन इस चीज को लेकर ओवर एक्साइटेड मत रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रखिए. कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ, मेरा नीट में अच्छा स्कोर आ सकता है, मेरी तैयारी पक्की है और जितना हो सके मॉक टेस्ट देते जाइए. और जिन बच्चों को अभी तक खुद पर भरोसा नहीं आया है, नेगेटिव सोचने और अपने बारे में गलत सोचने से बेहतर है कि आप ये सोचिए कि हर दिन मैं क्या एफर्ट्स पुट करूं जिसकी वजह से मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के करीब जा सकूं. दूसरी चीज, आप लोग अपना ध्यान रख रहे हो मेरे बच्चों. आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक शायद दिन के 4 या 5 घंटे पढ़ा करते थे, लेकिन अब वो रिवर्स हो चुका है. अब वो दिन के 4 या 5 घंटे सो रहे हैं और 17-18 घंटे पढ़ रहे हैं. देखो बच्चों, नंबर ऑफ आवर्स एक लिमिट तक ही डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. एट दी एंड इट इज द क्वालिटी स्टडी. आप कितने घंटे भी बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान ही पढ़ाई में नहीं है तो उतने घंटे बैठकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं. आप लोग मिनिमम 6 घंटे की नींद ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, आप लोग ना सिर्फ अपने पेट को अच्छे खाने से फीड कर रहे हो, अपने माइंड को भी पॉजिटिव थॉट से फीड कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. तुम्हारा दिन भर कितना ही हेक्टिक क्यों ना चल रहा हो, अपने लिए कम से कम आधे घंटे निकाल भी रहे हो जिसमें खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, घर की बैल्कनी में या फिर छत में जाकर वॉक कर रहे हो, जो भी चीज तुम्हें करनी अच्छी लगती है वो चीज कर रहे हो जिसकी वजह से आप खुश फील कर सको. अपना भी ख्याल रखो. आप लोग सबसे झूठ कह सकते हो, हाँ मम्मी पापा मेरी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, रिलेटिव से बोल रहे हो हाँ इस साल नीट क्रैक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से पूछो कि अगले 20-25 दिन में एक सीरियस नीट एस्पिरेंट को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था, क्या मैं उस तरीके से पढ़ भी रहा हूं या फिर नहीं, कहीं मैं चीजों को टाल तो नहीं रहा हूं. चल यार, आज तो हॉलीडे है, आज थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, आज मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, मतलब मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, कल ब्रेक ले लेता हूं. वो ब्रेक लेने वाली चीज तब होती मेरी जान जब तुम्हारे पास 1-1.5 साल का प्रिपरेशन का टाइम होता. 20-25 दिन ही मुश्किल से तुम्हारे पास बचे हुए हैं, अगर इसमें भी ब्रेक लेते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल का फिर ब्रेक लेना पड़ जाए. तो चीजों को प्रोकास्टिनेट मत करो और खुद से तो झूठ बिल्कुल मत बोलो. खुद को हर दिन आईना दिखाओ कि क्या मैंने जो आज का डेली टारगेट रखा था वो सच में कंप्लीट किया है, अगर नहीं किया है तो कल मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट आ सके. खुद को चीट मत करो. अगर तुमने आज खुद को चीट किया तो 7 मई को फिर वो नीट का पेपर तुम्हें चीट करेगा. मैं हर स्ट्रेटेजी वीडियो में कह रही हूं कि डेडलाइन रखते हुए आप लोग प्रिपरेशन करो. जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने उन्हें कहा हुआ है 25 अप्रैल आप लोगों की डेडलाइन है, 25 अप्रैल तक आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जितना सिलेबस कर सकते हैं उतना कवर करिए, क्योंकि उसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर फोकस करेंगे. जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो डेली के रिविजन टारगेट्स रखो. डेडलाइन सेट करते हुए पढ़ना मेरे बच्चे. जब तक डेडलाइन नहीं होगी तब तक आपको टाइम की वैल्यू पता नहीं चलेगी और तब तक आप लोग डिसिप्लिन वे में पढ़ नहीं पाओगे. मल्टीपल रिसोर्सेज यूज मत करना. अब वो टाइम आ गया है जब आपकी NCERT, इक्के दुक्के YouTube चैनल जिन एडुकेटर से पढ़ना आपको अच्छा लगता है वो, और आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर आपके कोचिंग मॉड्यूल्स का क्वेश्चन बैंक, वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा नीट की प्रिपरेशन के लिए. अब वो टाइम है जब NCERT के एक टॉपिक को समझो. अगर NCERT से पढ़कर समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हें ऑलरेडी अब तक पता चल गया होगा कि कौन से YouTube चैनल है जहां पर से मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी अच्छी लगती है, उन एडुकेटर से समझो, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाओ और हो गया तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट. मल्टीपल रिसोर्सेज इस टाइम यूज करना बंद करना, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है मेरी जान.
जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते चले जा रहे हो, एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, एक यूनिट कंप्लीट हो रही है, उससे रिलेटेड क्विक रिविजन नोट जरूर बनाओ। तुम्हारे 7 तारीख नीट के पेपर से ठीक 3-4 दिन पहले काफी बच्चे ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट अचीव कर चुके होंगे। वो ऐसा मोमेंट होता है बच्चों जब आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप लोग उस टाइम के लिए अपने पास अपने क्विक रिविजन नोट्स रेडी रखिए, क्योंकि जब नीट से 3-4 दिन पहले आप लोगों का वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका होगा कि दी अब एनसीईआरटी की बुक देखने का मन नहीं कर रहा है, उस टाइम पर आप लोग अपने क्विक रिविजन नोट्स को बस टटोल रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कि हर एक चैप्टर आपका कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है, प्लीज अभी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के पीछे मत भागो। मैंने आप लोगों को कहा है कि 25 अप्रैल तक आप लोग जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो बच्चों, और उसके बाद कंप्लीट रिविजन करो। हो सकता है 25 अप्रैल तक आप लोगों के बायोलॉजी के 30 चैप्टर्स हो जाएंगे, लेकिन बाकी के बचे हुए 8 चैप्टर्स रह गए हैं। बायोलॉजी आप लोग लास्ट तक 4th या 5th मई तक भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि बायोलॉजी अगर आप लोग 4th मई तक भी पढ़ रहे हो तो बीच बीच में रिविजन भी करते रहना। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 25 अप्रैल इज द डेडलाइन। उसके बाद जितने चैप्टर्स बच जाएंगे उसके PYQs करना और सारे फॉर्मूले लर्न करके चले जाना। तो जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है फिलहाल के लिए, वो लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दे। 25 अप्रैल के बाद वो एवरी ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो अभी से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। हर दिन मॉक टेस्ट नहीं भी दिया जा रहा है तो एवरी 3rd डे आप लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है उसके बाद छोड़ दिया ये नहीं करना है, उसको एनालिसिस भी करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत रहे और उन क्वेश्चंस से रिलेटेड टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। ये क्वेश्चन गलत इसलिए गया है क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी मेरा क्लियर नहीं है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना। अगर इन 7 गलतियों में से एक भी गलती अगर आपकी लाइफ का पार्ट बनी हुई है तो प्लीज उस गलती को हटाइए ताकि वो गलती 7 मई को आप पर हावी ना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।